संघ इकाई ने निकाली रैली, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, नियमितकरण समेत सभी मांगों को पूरा करने के लिए अपील की। हम लोग महात्मा गांधी नरेगा महासंघ जो हमारा है, उसके आह्वान में हम लोग 4 अप्रैल से हम लोग हड़ताल में हैं। उज्जैन में टीबी कार्यक्रम के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए जिले को मिला ब्रॉन्ज मेडल। हर साल सब नेशनल सर्टिफिकेट के तहत दिए जाते हैं मेडल। जो काम हुआ है उज्जैन जिले में वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए, और हमको केंद्र सरकार की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। खरगोन पथराव की घटना पर तेज हुई सियासत। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने जुलूस से निकालने वालों को ठहराया जिम्मेदार, कहा जानबूझकर विशेष समुदाय को उकसाया गया। मध्य प्रदेश में भी चुनाव नजदीक है तो 3 स्थानों पर रायसेन जिला, रतलाम जिला और खरगोन में इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है उसकी तहकीकात होना चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए। डबरा में पिछौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स का संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, शुरुआती जांच में आत्महत्या की जताई आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर होगी आगे की कार्रवाई। सतना के अमरपाटन में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग, तकरीबन 10 एकड़ में फैली फसल पूरी तरह से जलकर हुई राख, 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। उज्जैन में पुलिस ने तकरीबन 12 लाख रुपए की कीमत के गुम हुए मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। आईटी सेल की सफलता से ढूंढे गए थे 119 मोबाइल फोन। तो हमने एक इसको अभियान के तौर पर लिया था, ये चौथा चरण है। पहले चरण में हमने 49, दूसरे चरण में 53, तीसरे चरण में 120 और आज हमने 119 मोबाइल उन मोबाइल धारकों के ढूंढ कर वापस दिए हैं, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख के आसपास की कीमत है। और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। कटनी में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टा पकड़ा, हैदराबाद और गुजरात के बीच खेला जा रहा था सट्टा, आरोपियों से कई सामान किए गए जब्त। और इस आईपीएल सीजन में करीब 50 लाख की उनके द्वारा बुकिंग की गई है, जिसका हिसाब किताब भी उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मिला है, उसकी जांच की जा रही है। जिनों लोगों के खिलाफ में हमने सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की। चोरी का गोंद इंदौर ले जा रहे 2 अपराधियों पर वन विभाग ने की कार्रवाई, उन्हें वाहन के साथ हिरासत में लिया। वाहन की तलाशी लेने पर उनमें 9.5 क्विंटल गोंद की कीमत 74,000 रुपए बताई जा रही है। ऑनलाइन ठगी के झांसे में आए वैद्य आचार्य प्रवीण मिश्रा, ठगों ने पार्सल भेजने के नाम चंद मिनटों में ही 1 लाख रुपए अकाउंट से उड़ाए, एसएसपी से की मामले की शिकायत। हाँ सर, अभी रिपोर्ट लिखाई है, उसके द्वारा ये बताया गया उसके मोबाइल पर एक लिंक आई थी, उसने जैसे लिंक को चेक किया तो उसके फिर जब उसने देखा तो उसके मैसेज आया तो उसके खाते से लगभग 1 लाख रुपए करीब निकल गए थे। विजयपुर के एक मंदिर में गंगा निकालने का दावा करने वाले ढोंगी राधे बाबा ने किया अदालत में आत्मसमर्पण, लाखों रुपए लेकर हुआ था फरार। गंगा घुमाने तक आई थी लेकिन नतीजा सुपर रहा, इस तरह की कोई गंगा की धारा नहीं उठी है। धार में विद्युत विभाग की मांडव बाईपास पर कार्यालय में हुआ फेरबदल, वरिष्ठ कार्यालय सहायक की मेहनत से कार्यालय परिसर को पेड़ लगाकर किया गया हरा भरा। कोशिश की कि यहाँ एक गार्डन बनाया जाए तो धीरे धीरे फिर उसको यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं और उनका शुरुआती सहयोग मिला, फिर उसके बाद पेंशनरों का भी सहयोग, आर्थिक सहयोग मिला और करते ही एक मतलब बेहतरीन गार्डन किया। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी, प्रशासन ने बड़े स्तर पर की तैयारी, बाबा साहब के स्मारक पर की जाएगी आकर्षक सज्जा।
अंबिकापुर के कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में 65 आवेदन आए, दिव्यांगों को दी ट्राई साइकिल, समस्याओं का मौके पर किया गया निराकरण। कलेक्टर जनदर्शन में कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक ऐसा व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति आया जो घोघरा बतौली ब्लॉक का रहने वाला है, और उनके द्वारा मांग किया गया कि मुझे टेस्ट कर दिया जाए। ऑनलाइन परीक्षा देने वालों को अंक सूची नहीं दिए जाने का मामला, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन, प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, प्रबंधन ने जल्द अंक सूची उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। भारतीय विद्यार्थी परिषद रायगढ़ द्वारा सत्र 2020-21 में जो मई जून के माह में ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई थी, उस सत्र के विद्यार्थियों की रिजल्ट अभी तक के जारी नहीं की गई है। जगदलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बयान, कहा बिना दबाव कोई भी योजना लागू करना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है, कम से कम छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के लिए तो नहीं। चाहिए और आज ये जो हमारा नारा है कि आज पद यात्रा है, कल रेल यात्रा है, ये बस्तर की बड़ी भारी मांग है। कोरिया में पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले सीएम भूपेश बघेल की झूठी घोषणाओं से जनता थक चुकी है। बड़े बड़े घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं और कंबल ट्रकों में पकड़ा गया, साड़ियां, शराब, जब इतना जीत कर हिम्मत था तो फिर इस प्रकार के कृत्य करने की जरूरत क्या था। मैनपाट की ग्राम पंचायत मछवार के ग्रामीण ढोड़ी का गंदा पानी पीने पर विवश, सालों से नहीं सुधरे हालात, जल जीवन मिशन से जागी थी आज जिम्मेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं ग्राम। ठीक रूप से जानकारी दिया हूं कि सर यहां पानी की समस्या है, इसको आप समस्या का समाधान कराइए, सिर्फ वो मेरे को आश्वासन दिए, आज तक किसी प्रकार का कोई समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है।